अस्सलाम वालेकुम जी। एक बार फिर से तो उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग शुरू करने लग गए हैं। आज जाना है जी हमने पासपोर्ट ऑफिस, और साथ एक अब्बा जी का काम CO करना है। घर से निकल पड़े थे यार, तो अब्बा जी ने कुछ दोस्त बैठे थे, चाय शाय पीनी थी, तो चाय शाय पी के जो निकलते हैं फिर बहावलनगर के लिए। जाके आपको दिखाते हैं, आज एहतजाज भी है गवर्नमेंट ऑफिसर का। पासपोर्ट ले लिया था जी, जलालत तो बड़ी हुई खैर, लेकिन तुमने पता है फिर जो गवर्नमेंट इदारे हैं, जो काम तो चलता रहा है। ये भी चला है ज़रा, वाले साहब का जो एहतजाज हो रहा है गवर्नमेंट अफसरान का, उस साइड पे चला है, अदालत वाली साइड पे, तो दिखावा तारे से बैठे हैं भाई सारे। उसके साथ आपका आज यहाँ कट लगा है। कर दे मही तो आज त्रिया दिन हो गया, समझ नहीं आती पई, ना उन्होंने मेरी बोली दी ना मैनू उन्हों की बोली दी। मैं एक बंदे नू रोटी आखी ते ओ जनाब वाला लैते आ गया चावल। मैं कहा भाई असा तेन चावल सदने हैं, उस आखा सू रोटी सदने हैं जनाब। जाए तो यार चल रहा था, अपनी तो भाई हो गई थी बस, बैठ बैठ के तो अपन ने सोची यार चलो गाड़ी में जाके बैठा कि मैं गाने शाने सुन लें। इनका तो भाई इंतजार चल लेगा, मैंने लगे काफ़ी देर तक, अपने में तो हिम्मत को नहीं भाई बैठने की। मैं क्या थोड़ी देर भाई गाड़ी में सुकून कर लें, तो गाने खाने सुन लें, कमर सीधी कर लें यार। गुलामी ना होवे देख किसे साले की, सुन तेरे यार राव साफ है, वो तेरे शहर महल का बजे राव साफ का, चोरी बेहिसाब का कदी आर पार का। जी सारा दिन जो है ना भाई पासपोर्ट की जलालत और उसके अलावा एहतजाज वगैरह सारा से फ्री हो के घर वापस आ गए हैं। यहाँ पे करेंगे भाई जान अपना व्लॉग एंड, क्योंकि अब जाना है हमने जिम, बाकी फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा। ओ गुलामी ना होवे देख किसे साले की, सुन तेरे यार राव साफ़।